इस प्रकार धर्म, अर्थ और काम में आसक्त हो, पृथ्वी का पालन करते हुए राजा अलर्क को अनेक वर्ष बीत गए, किंतु उन्हें वे एक दिन के समान ही जान पड़ते थे। मन को प्रिय लगने वाले विषयों का भोग करते हुए उन्हें कभी भी उनकी ओर से वैराग्य नहीं हुआ। उनके मन में कभी ऐसा विचार नहीं उठा कि अब धर्म और धन का उपार्जन पूरा हो गया है। उनकी ओर से उन्हें अतृप्ति ही बनी रही। उनके इस प्रकार भोग में आसक्त, प्रमादी और अजितेंद्रिय होने का समाचार उनके भाई सुबाहु ने भी सुना, जो वन में निवास करते थे। अलर्क को किसी तरह ज्ञान प्राप्त हो, इस अभिलाषा से उन्होंने बहुत देर तक विचार किया। अंत में उन्हें यही ठीक मालूम हुआ कि अलर्क के साथ शत्रुता रखने वाले किसी राज्य का सहारा लिया जाए। ऐसा निश्चय करके वे अपना राज्य प्राप्त करने का उद्देश्य लेकर असंख्य बल वाहनों से संपन्न काशीराज की शरण में आए। काशीराज ने अपनी सेना के साथ अलर्क पर आक्रमण करने की तैयारी की। उन्हें भेजकर यह कहलाया कि अपने बड़े भाई सुबाहु को राज्य दे दो। अलर्क राजधर्म के ज्ञाता थे। उन्हें शत्रु के इस प्रकार आज्ञा पूर्वक संदेश देने पर सुबाहु को राज्य देने की इच्छा नहीं हुई। उन्होंने काशीराज के दूत को उत्तर दिया कि मेरे बड़े भाई मेरे ही पास आकर प्रेम पूर्वक राज्य मांगे। मैं किसी के आक्रमण के भय से थोड़ी सी भी भूमि नहीं दूंगा। बुद्धिमान सुबाहु ने भी अलर्क के पास याचना नहीं की। उन्होंने सोचा, याचना क्षत्रिय का धर्म नहीं है। क्षत्रिय तो पराक्रम का ही धनी होता है। तब काशीराज ने अपनी समस्त सेना के साथ राजा अलर्क के राज्य पर चढ़ाई करने के लिए यात्रा की। उन्होंने अपने समीपवर्ती राजाओं से मिलकर उनके सैनिकों द्वारा आक्रमण किया और अलर्क के सीमावर्ती नरेश को अपने अधीन कर लिया। फिर अलर्क के राज्य पर घेरा डालकर उनके सामंत राजाओं को सताना आरंभ किया। दुर्ग और दुर्ग के रक्षकों को भी काबू में कर लिया गया। किन्हीं को धन देकर, किन्हीं को फूट डालकर और किन्हीं को समझा बुझाकर ही अपना वंशवर्ती बना लिया गया। इस प्रकार शत्रु मंडली से पीड़ित राजा अलर्क के पास बहुत थोड़ी सी सेना रह गई। खजाना भी घटने लगा और शत्रु ने उनके नगर पर घेरा डाल दिया। इस तरह प्रतिदिन कष्ट पाने और कोष क्षीण हो जाने से राजा को बड़ा खेद हुआ। उनका चित्त व्याकुल हो उठा। जब वे अत्यंत वेदना से व्यथित हो उठे, तब सहसा उन्हें उस अंगूठी का स्मरण हो आया, जिसे ऐसे ही अवसरों पर उपयोग करने के लिए उनकी माता मदालसा ने
उन्हीं दिया था, तब स्नान करके पवित्र हो। उन्होंने ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया और अंगूठी से वह उपदेश पत्र निकालकर देखा। उसके अक्षर बहुत स्पष्ट थे। राजा ने उसमें लिखे हुए माता के उपदेश को ध्यान पूर्वक पढ़ा, जिससे उनके समस्त शरीर में रोमांच हो आया और आंखें प्रसन्नता से खिल उठीं। वह उपदेश इस प्रकार था। संग अर्थात आसक्ति का सब प्रकार से त्याग करना चाहिए, किंतु यदि उसका त्याग ना किया जा सके तो सत्पुरुषों का संग करना चाहिए, क्योंकि सत्पुरुषों का संग ही उसकी औषधि है। कामनाओं का सर्वथा साथ छोड़ देना चाहिए, परंतु यदि वह छोड़ी ना जा सके तो मुक्ति की इच्छा के प्रति कामना करनी चाहिए, क्योंकि मुमुक्षा ही उस कामना को मिटाने की दवा है। इस उपदेश को अनेक बार पढ़कर राजा ने सोचा, मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा? मुक्ति की इच्छा जागृत होने पर और मुक्ति की इच्छा जागृत होगी सत्संग से। ऐसा निश्चय करके वे सत्संग के लिए चिंतित हुए और अत्यंत आर्त भाव से आसक्ति रहित पाप शून्य तथा परम सौभाग्यशाली महात्मा भगवान दत्तात्रेय जी की शरण में गए। उनके चरणों में प्रणाम करके राजा ने उनका पूजन किया और न्याय के अनुसार कहा, ब्राह्मण, आप शरणार्थियों को शरण देने वाले हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं भोगों में अत्यंत आसक्त एवं दुख से आतुर हूँ, आप मेरा दुख दूर कीजिए। भगवान दत्तात्रेय जी बोले, राजन, मैं अभी तुम्हारा दुख दूर करता हूँ। सच सच बताओ, तुम्हें किस लिए दुख हुआ है? अलर्क ने कहा, भगवान, इस शरीर के बड़े भाई यदि राज्य लेने की इच्छा रखते हो तो यह शरीर तो पांच भूतों का समुदाय मात्र है। गुण की ही गुणों में प्रवृत्ति हो रही है, अतः मेरा उसमें क्या है? शरीर में रहकर भी वे और मैं दोनों ही शरीर से भिन्न है। यह हाथ आदि कोई भी अंग जिसका नहीं है, मांस हड्डी और नाड़ियों के विभाग से भी जिसका कोई संपर्क नहीं है, उस पुरुष का इस राज्य में हाथी घोड़े रथ और कोश आदि से किंचित भी क्या संबंध है? इसलिए ना तो मेरा कोई शत्रु है, ना मुझे दुख या सुख होता है, और ना नगर तथा कोश से ही मेरा कोई संबंध है। यह हाथी घोड़े आदि की सेना ना सुबाहु की है, ना दूसरे किसी और की, और ना मेरी ही है। जैसे कलसी घट और कमंडलू में एक ही आकाश है, तो भी पात्र भेद से अनेक सा दिखाई देता है, उसी प्रकार सुबाहु काशीराज और मैं भिन्न भिन्न शरीरों में रहकर भी एक ही है। शरीरों के भेद से ही भेद की प्रतीति होती है। पुरुष की बुद्धि जिस जिस वस्तु में
आसक्त होती है, वहां वहां से वह दुख ही ला कर देती है। मैं तो प्रकृति से परे हूं, अतः ना दुखी हूं और ना सुखी। प्राणियों का भूतों के द्वारा जो पराभाव होता है वही दुखमय है। तात्पर्य यह है कि जो भौतिक भोगों में ममता के कारण आसक्त है वही सुख दुख का अनुभव करता है। भगवान दत्तात्रेय जी बोले, नरश्रेष्ठ, वास्तव में ऐसी ही बात है। तुमने जो कुछ कहा है ठीक है। ममता ही दुख का और ममता का अभाव ही सुख का कारण है। मेरे प्रश्न करने मात्र से तुम्हें यह उत्तम ज्ञान प्राप्त हो गया। जिसने ममता की प्रतीति को सेमर की रुई की भांति उड़ा दिया, मनुष्य के हृदय में अज्ञान रूपी महान वृक्ष खड़ा है। वह अहंता रूपी अंकुर से उत्पन्न हुआ है। ममता ही उसका तना है। ग्रह और क्षेत्र उसकी ऊंची ऊंची शाखाएं हैं। स्त्री और पुत्र आदि पल्लव हैं। धन धान्य रूप बड़े बड़े पत्ते हैं। वह अनादि काल से बढ़ता चला आ रहा है। पुण्य और पाप उसके आदि पुष्प हैं। सुख और दुख महान फल हैं। वह मोक्ष के मार्ग को रोककर खड़ा है। अज्ञानियों का संग ही उस वृक्ष के लिए सिंचाई का काम देता है। सकाम कर्म करने की प्रबल इच्छा ही उस वृक्ष पर भ्रमरों की भांति मंडराती रहती है। जो लोग संसार मार्ग की यात्रा से थक कर उस वृक्ष का आश्रय लेते हैं, वे ब्रह्म पूर्ण ज्ञान एवं मिथ्या सुख के वशीभूत हो जाते हैं। ऐसे लोगों को आत्यंतिक सुख अर्थात मोक्ष कैसे मिल सकता है? परंतु जो सत्संग रूपी पत्थर पर घिसकर तेज किए हुए विद्या रूपी कुठार से उस ममता रूपी वृक्ष को काट डालते हैं, वे विद्वान पुरुष ही उस मोक्ष मार्ग से जाते हैं और धूल तथा कांटों से रहित शीतल ब्रह्म वन में पहुंचकर सब प्रकार की वृत्तियों से रहित हो परमा आनंद को प्राप्त होते हैं। अलर्क जी ने कहा, भगवान, आपकी कृपा से मुझे ऐसा उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ है जो जड़ प्रकृति और चेतन शक्ति का विवेक करने वाला है, किंतु मेरा मन विषयों के वशीभूत है, अतः वह इस ज्ञान में स्थिर नहीं हो पाता। मैं नहीं जानता कि इस प्रकृति के बंधन से कैसे छूट सकूंगा, कैसे मेरा इस संसार में फिर जन्म ना हो, किस प्रकार मैं निर्गुण भाव को प्राप्त हूं और कैसे सनातन ब्रह्म के साथ एकता प्राप्त करूं। ब्रह्मन, मुझे ऐसा ही उत्तम योग बताइए जिससे मैं मुक्त हो सकूं। इसके लिए आपके चरणों में मस्तक रखकर याचना करता हूं, क्योंकि आप जैसे संतों का संग ही मनुष्यों का परम उपकार करने वाला है। अलर्क जी की बात सुनकर भगवान दत्तात्रेय जी बोले,
राजन, योगी को ज्ञान की प्राप्ति होकर जो उसका अज्ञान से वियोग होता है वही मुक्ति है और वही ब्रह्म के साथ एकता एवं प्राकृत गुणों से पृथक होना है। मुक्ति होती है योग से, योग प्राप्त होता है सम्यक ज्ञान से, सम्यक ज्ञान होता है वैराग्य जनक दुख से, और दुख होता है ममता के कारण स्त्री पुत्र धन आदि में चित्त की आसक्ति होने से। अतः मुक्ति की इच्छा रखने वाला पुरुष आसक्ति को दुख का मूल समझकर यतन पूर्वक त्याग दे। आसक्ति ना होने पर यह मेरा है ऐसी धारणा दूर हो जाती है। ममता का अभाव सुख का साधक है। वैराग्य से सांसारिक विषयों में दोष का दर्शन होता है। ज्ञान से वैराग्य और वैराग्य से ज्ञान होता है। जहां रहना हो वही घर है, जिससे जीवन चले वही भोजन है, और जिससे मोक्ष मिले वही ज्ञान बताया गया है। इसके सिवा सब अज्ञान है। राजन, पुण्य और पापों को भोग लेने से, नित्य कर्मों का निष्काम भाव से अनुष्ठान करने से, अपूर्व का संग्रह ना होने से तथा पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का क्षय हो जाने से मनुष्य बारंबार देह का बंधन में नहीं पड़ता। राजन, यह तुमसे ज्ञान के विषय में कुछ बातें बतलाई गई हैं। अब उस योग का वर्णन सुनो जिसे प्राप्त कर योगी पुरुष सनातन ब्रह्म से कभी पृथक नहीं होता। योगियों को पहले बुद्धि के द्वारा मन को जीतने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि उसको जीतना बहुत कठिन है। अतः उस पर विजय पाने के लिए सदा ही यत्न करना चाहिए। इसका उपाय बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राणायाम के द्वारा राग आदि दोषों का, धारणा के द्वारा पाप का, प्रत्याहार के द्वारा विषयों का, और ध्यान के द्वारा ईश्वर विरोधी गुणों का निवारण करें। जैसे पर्वतीय धातुओं को आग में तपाने से उनके दोष जल जाते हैं, उसी प्रकार प्राणायाम करने से इंद्रिय जनित दोष दूर हो जाते हैं। अतः योग के ज्ञाता पुरुष को पहले प्राणायाम का ही साधन करना चाहिए। प्राण और अपान वायु को रोकने का नाम ही प्राणायाम है। यह लघु, मध्य और उत्तरीय के भेद से तीन प्रकार का बताया गया है। अलर्क जी, अब मैं उसकी मात्रा बतलाता हूँ, सुनो। लघु प्राणायाम 12 मात्रा का होता है। इनसे दूनी मात्रा का मध्यम और तिगुनी मात्रा का उत्तरीय अथवा उत्तम बताया गया है। पलकों को उठाने और गिराने में जितना समय लगता है वही प्राणायाम की संख्या के लिए मात्रा कहा गया है। ऐसी ही 12 मात्राओं का लघु नामक प्राणायाम होता है। प्रथम प्राणायाम के द्वारा पसीने को, मध्यम के द्वारा कंप को, और तृतीय प्राणायाम के द्वारा विषाद को जीतें।
इस प्रकार क्रमशः इन तीनों पर अर्थात इन तीनों दोषों पर विजय प्राप्त करें। जैसे सिंह व्याघ्र और हाथी सेवा के द्वारा कोमल हो जाते हैं, उनकी कठोरता दब जाती है, उसी प्रकार प्राणायाम करने से प्राण योगी के वश में हो जाता है। जैसे हाथीवान मतवाले हाथी को भी वश में करके उसे इच्छा अनुसार चलाता है, उसी प्रकार योगी वश में किए हुए प्राण को अपनी इच्छा के अधीन रखता है। जैसे वश में किया हुआ सिंह केवल मृगों को ही मारता है, मनुष्यों को नहीं, उसी प्रकार प्राणायाम के द्वारा वश में किया हुआ प्राण केवल पापों का नाश करता है, मनुष्यों के शरीर के लिए नहीं। इसलिए योगी पुरुष को सदा प्राणायाम में संलग्न रहना चाहिए। राजन, ध्वस्ति, प्राप्ति, संवति और प्रसाद ये मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाली प्राणायाम की चार अवस्थाएं हैं। अब क्रमशः इनके स्वरूप का वर्णन सुनो। जिस अवस्था में शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल क्षीण हो जाए और चित्त की वासना नष्ट हो जाए, उसका नाम ध्वस्ति है। जब योगी इस लोक और परलोक के भोगों के प्रति लोभ और मोह उत्पन्न करने वाली समस्त कामनाओं को रोककर सदा अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, वह निरंतर रहने वाली प्राप्ति नामक अवस्था है। जिस समय योगी सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तथा ग्रहों के समान प्रभावशाली होकर उत्तम ज्ञान संपत्ति प्राप्त करता है और उस ज्ञान संपत्ति से भूत भविष्य की बातों को तथा दूर स्थित एवं अदृश्य वस्तुओं को भी जान लेता है, उस समय प्राणायाम की संवति नामक अवस्था होती है। जिस प्राणायाम से मन, पांच प्राण वायु, संपूर्ण इंद्रियां और इंद्रियों के विषय प्रसाद को प्राप्त होते हैं, वही उसकी प्रसाद अवस्था है। राजन, अब प्राणायाम का लक्षण तथा योगा अभ्यास में निरंतर प्रवृत्त रहने वाले योगी के लिए विहित आसन बतलाता हूँ, सुनो। पद्मासन, अर्धासन, स्वस्तिकासन आदि आसनों से बैठकर मन ही मन प्रणव का चिंतन करते हुए योगा अभ्यास करें। शरीर को समभाव से रखें, आसन भी सम हो, दोनों पैरों को समेटकर दोनों जांघों को आगे की ओर स्थिर करें, मुंह को बंद किए रहें, एड़ियों को इस प्रकार रखें जिससे वे लिंग और अंडकोश का स्पर्श ना कर सकें, मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए स्थिर रहें, मस्तक को कुछ ऊंचा किए रहें, दांतों का दांतों से स्पर्श ना होने दें, अपनी नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि रखते हुए अन्य दिशाओं की ओर ना देखें, रजोगुण से तमोगुण की ओर, सत्वगुण से रजोगुण की वृत्ति को भली भांति आच्छादित करके
निर्मल सत्व में स्थित हो। योग वेता पुरुष योग का अभ्यास करें। इंद्रिय प्राण आदि और मन को उनके विषयों से हटाकर प्रत्याहार आरंभ करें। जैसे कछुआ अपने सब अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार जो समस्त कामनाओं को संकुचित कर लेता है, वह निरंतर आत्मा में ही रमण करने वाला और एकमात्र परमात्मा में स्थित रहता हुआ पुरुष अपनी आत्मा में ही आत्मा का साक्षात्कार करता है। विद्वान पुरुष बाहर भीतर की शुद्धि का संपादन करके कंठ से लेकर नाभि तक शरीर को प्राण वायु से परिपूर्ण करते हुए प्राणायाम आरंभ करे। प्राणायाम 12 हैं, उन्हीं को धारणा भी कहते हैं। तत्वदर्शी योगियों ने योग में दो धारणाएं बतलाई हैं। उनके अनुसार योग में प्रवर्त हुए नित्य आत्मा योगी के सभी दोष नष्ट हो जाते हैं तथा वह स्वस्थ भी हो जाता है। वह पर ब्रह्म परमात्मा को और प्राकृत गुणों को पृथक पृथक देखता है। व्योम में लेकर परमाणु तक का साक्षात्कार करता है तथा निष्पाप आत्मा का भी दर्शन कर लेता है। इस प्रकार प्राणायाम परायण एवं मिताहारी योगी पुरुष धीरे धीरे एक एक भूमि को वश में करके दूसरी पर पैर बढ़ाए। जैसे महल में जाते समय एक एक सीढ़ी को पार करके दूसरी पर चढ़ा जाता है, जो भूमि अपने वश में नहीं हुई है उसमें जाने से वह दोष रोग आदि दुख तथा मोह को बढ़ाती है, अतः उस पर ना चढ़े। प्राण वायु के निरोध को प्राणायाम कहते हैं। अपने मन को संयम में रखने वाले योगी पुरुष शब्द आदि विषयों की ओर जाने वाली इंद्रियों को उनकी ओर से योग द्वारा प्रत्याहार्त निवृत्त करते हैं, इसलिए यह प्रत्याहार कहलाता है। योगी महर्षियों ने इस विषय में ऐसा उपाय भी बताया है जिससे योगा अभ्यासी पुरुष को रोग आदि दोष नहीं होते। जैसे जलार्थी मनुष्य यंत्र और नली आदि की सहायता से धीरे धीरे जल पीते हैं, उसी प्रकार योगी पुरुष श्रम को जीत कर धीरे धीरे वायु का पान करे। पहले नाभि में, फिर हृदय में, तदंतर तीसरे स्थान वक्षस्थल में, उसके बाद क्रमशः कंठ, मुख, नासिका के अग्रभाग, नेत्र, भौहों के मध्य भाग तथा मस्तक में प्राण वायु को धारण करें। उसके बाद पर ब्रह्म परमात्मा में उसकी धारणा करनी चाहिए। यह सबसे उत्तम धारणा मानी गई है। इन दसों धारणाओं को प्राप्त होकर योगी अविनाशी ब्रह्म की सत्ता को प्राप्त होता है। राजन, सिद्धि की इच्छा रखने वाला योगी पुरुष बड़े आदर के साथ योग में प्रवर्त हो। वह अधिक खाए हुए अथवा खाली पेट, थका और व्याकुल चित ना हो। जब
अधिक सर्दी या अधिक गर्मी पड़ती हो, सुख दुख आदि द्वंद्वों की प्रबलता हो, अथवा बड़े जोर की आंधी चलती हो, ऐसे अवसरों पर ध्यान परायण होकर योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए। कोलाहल पूर्ण स्थान में आग और पानी के समीप, पुरानी गौशाला में, चौराहे पर, सूखे पत्तों के ढेर पर, नदी में, शमशान भूमि में, जहां सर्पों का निवास हो वहां, भयपूर्ण स्थान में, कुएं के तट पर, मंदिर में तथा दीमकों की मिट्टी के ढेर पर, इन सब स्थानों में तत्वज्ञ पुरुष योगा अभ्यास ना करे, जहां सात्विक भाव की सिद्धि ना हो, ऐसे देश काल का परित्याग करें। योग में असत वस्तु का भी दर्शन निषिद्ध है, अतः उसे भी छोड़ दें। जो मूर्खतावश उक्त स्थानों की परवाह ना करके वही योगा अभ्यास आरंभ करता है, उसके कार्य में विघ्न डालने के लिए बहरापन, जड़ता, स्मरण शक्ति का नाश, गूंगापन, अंधापन और ज्वर आदि अनेक दोष तत्काल प्रकट होते हैं। यदि प्रमादवश योगी के सामने ये दोष प्रकट हो तो उनका नाश करने के लिए जिस चिकित्सा की आवश्यकता हो उसे सुनो। यदि वात रोग, गुल्म रोग, गुदा संबंधी रोग तथा और कोई उदर संबंधी रोग हो जाए तो उसकी शांति के लिए घी मिलाई हुई जौ की गरम गरम लपसी खा लें, अथवा केवल उसकी धारणा करें। वह रुकी हुई वायु को निकालती और वायु गोला को दूर करती है। इसी प्रकार जब शरीर में कंप पैदा हो जाए तो मन में बड़े भारी पर्वत की धारणा करें। बोलने में रुकावट होने पर वाग देवी की और बहरापन आने पर श्रवण शक्ति की धारणा करें। इसी प्रकार प्यास से पीड़ित होने पर ऐसी धारणा करें कि जिह्वा पर आम का फल रखा हुआ है और उससे रस मिल रहा है। तात्पर्य यह है कि जिस जिस अंग में रोग पैदा हो वहां वहां उसमें लाभ पहुंचाने वाली धारणा करें। गर्मी में सर्दी की और सर्दी में गर्मी की धारणा करें। धारणा के द्वारा ही अपने मस्तक पर काठ की कील रखकर दूसरे काष्ट के द्वारा उसे ठोकने की भावना करें। इससे योगी की लुप्त हुई स्मरण शक्ति का तत्काल ही आविर्भाव हो जाता है। इसके सिवा सर्वत्र व्यापक भूलोक, पृथ्वी, वायु और अग्नि की भी धारणा करें। इससे अमानवीय शक्तियों तथा जीव जंतुओं से होने वाली बाधाओं की चिकित्सा होती है। यदि कोई मानवेतर जीव योगी के भीतर प्रवेश कर जाए तो वह वायु और अग्नि की धारणा करके उसे अपने शरीर के भीतर ही जला डाले। राजन, इस प्रकार योग वेता पुरुष को सब प्रकार से अपनी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यह शरीर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का साधक है। योग प्रवृत्ति के लक्षणों को बतलाने तथा
उन पर गर्व करने से योगी का विज्ञान लुप्त हो जाता है। इसलिए उन प्रवृत्तियों को गुप्त ही रखना चाहिए। चंचलता का ना होना, निरोग रहना, निष्ठुरता ना धारण करना, उत्तम सुगंध का आना, मल मूत्र का कम होना, शरीर में कांति, मन में प्रसन्नता और वाणी के स्वर में कोमलता का उदय होना, ये सब योग प्रवृत्ति के प्रारंभिक चिन्ह हैं। यदि योगी को देखकर लोगों के मन में अनुराग हो, परोक्ष में सब लोग उसके गुणों का बखान करने लगे और कोई भी जीव जंतु उससे भयभीत ना हो, तो यह योग में सिद्धि प्राप्त होने की उत्तम पहचान है। जैसे अत्यंत भयानक सर्दी गर्मी आदि से कोई कष्ट नहीं होता, तथा जो दूसरों से भयभीत नहीं होता, सिद्धि उसके निकट खड़ी है। योग के विघ्न, उनसे बचने के उपाय, 7 धारणा, 8 ऐश्वर्य तथा योगी की मुक्ति। भगवान दत्तात्रेय जी कहते हैं, आत्म साक्षात्कार के समय योगी पुरुष के समक्ष जो विघ्न उपस्थित होते हैं, उनका संक्षेप से वर्णन करता हूँ, सुनो। उस समय वह सकाम कर्म करना चाहता है और मानवीय भोगों की अभिलाषा करता है, दान के उत्तमो उत्तम फल, स्त्री, विद्या, माया, सोना चांदी आदि धन, सोने आदि के अतिरिक्त वैभव, स्वर्ग लोक, देवत्व, इंद्रत्व, रसायन संग्रह, उसे बनाने की क्रियाएं, हवा में उड़ने की शक्ति, यज्ञ, जल और अग्नि में प्रवेश करना, श्राद्धों तथा समस्त दानों का फल, तथा नियम व्रत इष्ट पूर्त एवं देव पूजा आदि से मिलने वाले फलों की इच्छा करता है। जब चित्त की ऐसी अवस्था हो, तो योगी उसे कामनाओं की ओर से हटाए और पर ब्रह्म के चिंतन में लगाए। ऐसा करने पर उसे विघ्नों से छुटकारा मिल जाता है। इन विघ्नों पर विजय पा लेने के बाद योगी के सामने फिर दूसरे सात्विक, राजस और तामस विघ्न उपस्थित होते हैं। प्रतिभा, श्रावण, देव, भ्रम और आवर्त, ये 5 उपसर्ग योगियों के योग में विघ्न डालने के लिए प्रकट हुए हैं। इनका परिणाम बड़ा कटु होता है। जब संपूर्ण वेदों के अर्थ, काव्य और शास्त्रों के अर्थ, संपूर्ण विद्याएं और शिल्प कला आदि अपने आप योगी की समझ में आ जाएं, तो प्रतिभा से संबंध रखने के कारण वह प्रतिभा उपसर्ग कहलाता है। जब योगी सहस्त्रों योजन दूर से भी संपूर्ण शब्दों को सुनते और उनके अभिप्राय को समझने लगता है, तब वह श्रवण शक्ति से संबंध रखने के कारण श्रावण उपसर्ग कहा जाता है। जब वह देवताओं की भांति 8 दिशाओं की वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखने लगता है, तब
उसे देव उपसर्ग कहते हैं। जब योगी को मन दोष के कारण सब प्रकार के आचारों से भ्रष्ट हो निराधार भटकने लगता है, तब वह ब्रह्म कहलाता है। जल में उठती हुई भंवर की तरह जब ज्ञान का आवर्त सब और व्याप्त होकर चित्त को नष्ट कर देता है, तब वह आवर्त नामक उपसर्ग कहा जाता है। इन महाघोर उपसर्गों से योग का नाश हो जाने के कारण संपूर्ण योगी देव तुल्य होकर भी बारंबार आवागमन के चक्र में घूमते रहते हैं। इसलिए योगी पुरुष शुद्ध मनोमय उज्जवल कंबल ओढ़कर पर ब्रह्म परमात्मा में मन को लगाकर सदा उन्हीं का चिंतन करे। पृथ्वी आदि सात प्रकार की सूक्ष्म धारणाएं हैं जिन्हें योगी मस्तक में धारण करे। पृथ्वी की धारणा है, उसे धारण करने से योगी को सुख प्राप्त होता है। वह अपने को साक्षात पृथ्वी मानता है, अतः पार्थिव विषय गंध का त्याग कर देता है। इसी प्रकार वह जल की धारणा से सूक्ष्म रस का, तेज की धारणा से सूक्ष्म रूप का, वायु की धारणा से स्पर्श का तथा आकाश की धारणा से सूक्ष्म प्रवृत्ति तथा शब्द का त्याग करता है। जब अपने मन से धारणा के द्वारा संपूर्ण भूतों के मन में प्रवेश करता है, तब उस मानसी धारणा को धारण करने के कारण उसका मन अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है। इसी प्रकार योग वेता पुरुष संपूर्ण जीवों की बुद्धि में प्रवेश करके परम उत्तम सूक्ष्म बुद्धि को प्राप्त करता और फिर उसे त्याग देता है। अलर्क, जो योगी इन सातों सूक्ष्म धारणाओं का अनुभव करके उन्हें त्याग देता है, उसको इस संसार में दोबारा नहीं आना पड़ता। चितात्मा पुरुष क्रमशः इन सातों धारणाओं के सूक्ष्म रूप को देखें और त्याग करते जाएं। ऐसा करने से वह परम सिद्धि को प्राप्त होता है। राजन, योगी पुरुष जिस जिस भूत में राग करता है उसी उसी में आसक्त होकर नष्ट हो जाता है। इसलिए इन समस्त सूक्ष्म भूतों को परस्पर संसक्त जानकर भी जो इन्हें त्याग देता है उसे परम पद की प्राप्ति होती है। पांचों भूत और मन बुद्धि के इन सातों सूक्ष्म रूपों का विचार कर लेने पर उनके प्रति वैराग्य होता है। जो सद्भाव का ज्ञान रखने वाले पुरुष की मुक्ति का कारण बनता है। जो गंध आदि विषयों में आसक्त होता है उसका विनाश हो जाता है और उसे बारंबार संसार में जन्म लेना पड़ता है। योगी पुरुष इन सातों धारणाओं को जीत लेने के बाद यदि चाहे तो किसी भी सूक्ष्म भूत में लीन हो सकता है। देवता, असुर, गंधर्व, नाग और राक्षसों के शरीर में भी वह लीन हो जाता है, किंतु कहीं भी आसक्त नहीं होता।
अणिमा लघिमा महिमा प्राप्ति प्राकमय ईष्टव वशित्व और कामावसायित्व, इन आठ ईश्वरीय गुणों को जो निर्वाण की सूचना देने वाले हैं योगी प्राप्त करता है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म रूप धारण करना अणिमा है और शीघ्र से शीघ्र कोई काम कर लेना लघिमा नामक गुण है। सबके लिए पूजनीय हो जाना महिमा कहलाता है। जब कोई भी वस्तु अप्रापाय ना रहे तो वह प्राप्ति नामक सिद्धि है। सर्वत्र व्यापक होने से योगी को प्राकामय नामक सिद्धि की प्राप्ति मानी जाती है। जब वह सब कुछ करने में समर्थ ईश्वर हो जाता है तो उसकी वह सिद्धि ईशित्व कहलाती है। सबको वश में कर लेने से वशित्व की सिद्धि होती है।